हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एज यूजुअल होंगे। तो आज की व्लॉगिंग, आज की व्लॉगिंग नहीं, आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के साथ मीशो के कुर्तीज, बहुत सारी अंडर ₹300। सो या आप लोग भी देख सकते हैं, तो मैं आपके लिए लेके आ रखी हूँ 5 मीशो शॉर्ट कुर्ती हॉल। सो या इट्स हियर, और ये सब जाएंगे, देखते हैं कैसी मंगा रखी है और कैसी आ रखी है। सो आई एम वेरी नर्वस, वाई आई डोंट नो, लेकिन मैं ये जो ये मीशो के हॉल्स है वो मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। सो मैंने 5 कुर्तियाँ मंगाई हैं, शॉर्ट कुर्तियाँ मंगाई हैं। आई होप आपको पसंद आएगा, और प्लीज़ बहुत सारा प्यार देना इस वाले व्लॉग में या इस वाले वीडियो में, क्योंकि ये तो व्लॉग नहीं है, ये वीडियो है। सो इस वाले वीडियो में प्लीज़ बहुत 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 सारा प्यार देना और शेयर भी कर देना अगर आपको पसंद आई होंगी। और ख़ास बात, अगर आपको इनमें से कोई भी कुर्ती पसंद आती है और आपको मीशो पे नहीं मिल रही है, तो मुझे कमेंट ज़रूर कर देना। ओके, तो चलो फिर ट्राई करते हैं। सबसे पहला विदाउट यूजिंग एनी सीजर आई एम ओपनिंग दिस, शायद सीजर की जरूरत पड़ेगी। हम कर ही लेंगे, है ना, इजी टू। वाओ, सो दिस इज माय फर्स्ट। इसकी फोटो भी मैं यहाँ साइड पे लगा दूंगी, फिर आप लोग देख सकते हो कि ओरिजिनल कैसा है और रियल कैसा है। तो पहले मैं बता दूं, ये कॉटन का है, कॉटन की कुर्ती है, और ये कुछ ऐसी है। मैं आपको पहन के दिखाऊंगी अभी थोड़े देर में, पहले मैं सारी कुर्तियां खोल लेती हूँ एक बार। तो यार, दिस इज आवर फर्स्ट कुर्ती। वाह, मुझे बहुत पसंद आया, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। नाउ दिस इज द सेकेंड वन। तो आजकल मीशो की पैकेजिंग ऐसी भी आ रही है कि मतलब बाहर से विजिबल हो जा रहा है कि करेक्ट सामान है या नहीं है करके। तो ट्रैकिंग आई डी ना फाड़ दूँ मैं, बस इनकी पता चला कि रिटर्न ही नहीं हो रहा। अगर पसंद ना आए तो मैं रिटर्न करूँगी, तो देखते हैं और कितना पसंद आता है। मतलब पसंद तो मुझे वैसे आएंगे ही, क्योंकि मैंने पसंद तो मंगाया है, लेकिन फिटिंग के ऊपर भी, अगर कुर्ती आप फिट नहीं आएगी तो मैं कैसे रखूँगी। और ये कुर्तियों में तो ऐसा होता है ना कि हम नहीं रख पाते। दिस इज आवर सेकेंड कुर्ती, गॉर्जियस। और इसका कलर, हाँ ऐसे ही दिखाया था उन्होंने, इसका कपड़ा बहुत स्मूथ है। और यह देखते हैं फिटिंग कैसी आती है, आई विश कि सही आ जाए, बट ये बहुत ज़्यादा पतली है, गर्मियों के लिए अच्छी है बट ये शॉर्ट है। चलो लेट्स सी, इसका कलर थोड़ा सा फीका टाइप का आ रखा है, सो लेट्स सी कि कैसा लगता है ये मुझ पर। और ये हमारी सेकेंड कुर्ती है, शायद मैं इसे ना रखूँ, बस मुझे ये थोड़ा घर टाइप का लग रहा है, मुझे इसे घर में पहनते हैं ना उस टाइप का। और घर के कपड़े आई हैव अ लॉट, मतलब बहुत सारे घर के कपड़े, तो ये भी मैं ना रखूँ। तो दिस इज आवर शॉर्ट कुर्ती, वेरी ब्यूटीफुल डार्क पिंक कलर की ये कुर्ती है, कॉटन की है, बट ये विजिबल है, राइट, दिख रही हूँ ना मैं यहाँ से, पीछे से तो कुछ ज़्यादा ही विजिबल है, तो मैं इसको भी नहीं रखने वाली शायद। या देखो विजिबल है, सी थ्रू है ये बहुत, सो शायद मैं इसे ना रखूँ, लेकिन पहन के पता चलेगा
कि कितना सी थ्रू है कितना नहीं है, यहाँ से भी दिख रहा है भाई बाहर का। सो यार ये कुछ ऐसी है, आप लोग देख सकते हो, ये है हमारी थर्ड कुर्ती और दिस इज माई मोस्ट फेवरेट जो मैंने मंगाया। मैं तो ये रखूँगी ही रखूँगी वाली बात, लेकिन अब देखते हैं इसकी फिटिंग और इसकी रियलिटी, ये रियलिटी कैसी होती है इसकी। सो दिस इज आवर फोर्थ कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती है मैं। ओके ये भी बहुत सी थ्रू है, ऐसा क्यों? सो यू कैन सी ये, और ये बहुत लूज भी है। मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मुझे इसके बाजू बहुत पसंद आया था। ये कॉटन का है, पूरा प्योर कॉटन, और देख सकते हो आप लोग, और ये बहुत ढीला भी लग रहा है मुझे तो। ये तो मेरी मम्मी को भी आ जाएगा, शायद ये मम्मी ले लेगी। तो ये कुछ ऐसा है यार, देखने में और मतलब मीशो में और रियलिटी में बहुत फर्क होता है ना, आप लोग भी मतलब एग्री करते हो इस बात को। जो मैंने सोचा था नहीं लूंगी, अब मुझे लग रहा है मुझे वही रखना पड़ेगा। और जो सोचा था लूंगी, आई थिंक आई शुड हैव रिटर्न इट। सो दिस इज आवर द एंड द लास्ट कुर्ती, तो ये ब्लैक ये मम्मी को बहुत पसंद आया था, तो मम्मी ने बोला था कि इसको तो मगा ही मगा, ये तो तू रख ही रख। तो लेट्स सी, मेरे पास ब्लैक ऑलरेडी बहुत है समर में, ब्लैक है यार, तो मैं ब्लैक रख दी सकती हूँ। इंडक्शन यार मुझे पसंद आया। सो इसका गला देख सकते हो आप लोग, द नेक लाइन इज वेरी ब्यूटीफुल, इसके हाथ देख सकते हो, इसका कॉटन देख सकते हो। शायद मैं इसे रखूँ क्योंकि मम्मी को बहुत पसंद आया ये, मुझे भी अच्छा लग रहा है ब्लैक में, तो अगर ऐसा प्रिंट हो जाए ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है ना। दिस इज इट, सो दिस इज आवर लास्ट बट नॉट द लीस्ट। या मुझे बहुत, चलो फिर इसको ट्राई करके मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसा लग रहा है। सो गाइस फाइनली दिस कुर्ती इज हियर, मैं थोड़ा लॉन्ग दिखा रही हूँ आपको ताकि आपको पता चले कि कैसा लग रहा है, कितनी लॉन्ग है ये कुर्ती। सो या आप लोग देख सकते हो इतनी शॉर्ट है, मतलब ऑब्वियसली शॉर्ट कुर्ती है, बट इसका गला बहुत ज़्यादा ही छोटा है, इतना सा है। सो मुझे ये मैच नहीं होगी, पहले मैं सोच रही थी कि मैं इसे रखूँगी, बट नाउ ठीक है अच्छी है, आप लोग ले सकते हो, बट ये मुझ पे जच ही नहीं रही है, और क्या बोलूँ इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाएगा गले में। सो फिटिंग बहुत अच्छा है, ऑल ओवर इज़ वेरी गुड, जस्ट गला मुझे पसंद नहीं आया, और शॉर्ट तो है ही, बट मुझे इतनी नहीं चाहिए थी, मुझे टॉप टाइप की कुर्ती चाहिए थी, सो आई एम नॉट टेकिंग इट। सो नेक्स्ट देखते हैं चलो। सो गाइस दिस इज़ माई थर्ड आउटफिट, मैंने प्लेस थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्योंकि बहुत सच हो रहा है उस साइड। सो या यू कैन सी ये शायद मैं रखूँगी क्योंकि मैंने पसंद भी यही किया था, ये समरी लुक के लिए अच्छा है ना, लाइट कलर है, धूप ज़्यादा नहीं पड़ेगी इस पर। सो या इसको मैं रखने वाली हूँ, बहुत सिंपल सा है, मतलब पहले मैं बोल रही थी कि घर के टाइप है, बट इसका कपड़ा बहुत लाइट है, कम्फर्टेबल है पहनने में, और ऐसा लग रहा है जैसे यू नो हल्का फील हो रहा है, सो आई लाइक इट लॉट। इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, सो या समरी लुक के लिए अच्छा है। सो गाइस ये है हमारा थर्ड आउटफिट, और ये कुछ ऐसा है। सो मैं जैसे कि आपको कहती सी थ्रू कपड़ा है, सो हल्का सा है, अगर आपको पसीना होगा तो या तब करेगा। सो इसको तो मैंने पहली नज़र में रिजेक्ट कर दिया था, सो आई एम नॉट गोइंग अवे, लेकिन इसका डिज़ाइन पैटर्न बहुत अच्छा है ओवरऑल। ये पैटर्न अगर येलो वाले में होता तो वो बेस्ट होता, बट ठीक है इसका पैटर्न काफ़ी अच्छा है,
और ये थोड़ा मुझे फिटिंग में भी अजीब सा लग रहा है मुझे, मैं इसमें ज़्यादा ही मोटी लग रही हूँ, वैसे ही मैं मोटी हूँ तो इसमें ज़्यादा ही मोटी लग रही हूँ। या आप लोग खरीद सकते हो अगर आपके वाइट से मैच कर रहे हो। फिर मुझे डार्क कलर ज़्यादा पसंद नहीं है और मैंने सोचा है कि मैं इस कलर का एक कुछ और लेने वाली हूँ, सो इसलिए भी नहीं। और या लेकिन अच्छा है, कॉटन कपड़ा है, आप देख सकते हो हाथ में भी अच्छा है और इसका डिज़ाइन देख सकते हो गले का। सो ओवरऑल इज गुड, बस थोड़ा सा मेरे वाइब से मैच नहीं कर रहा है अब देखने के बाद। तो या गरबा खेल सकते हो उसमें आप, ऐसे करके ऐसे करके। सो या ये था हमारा थर्ड आउटफिट, अब हम देखेंगे फोर्थ वन। चलो सो गाइस दिस इज माई फोर्थ वन और आप देख सकते हो इसका कलर बहुत लाइट है लेकिन मुझे पसंद आया था, मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है कि बहुत लूज, बहुत मतलब ये कुर्ती स्टाइल नहीं है, ये टॉप स्टाइल है, जो अम्ब्रेला का टॉप होती है ना घूमेगा मुझे। बस इसमें थोड़ी सी प्रेस की कमी है, प्रेस करके इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, ये यू नो जब चलते हैं तो हवा से बॉडी में चिपकेगा भी नहीं और पसीना भी आएगा तो पसीना सूख लेगा। सो ये गर्मी के लिए बेस्ट है और ये सबसे अच्छी बात है फुल लेंथ, तो इससे हाथ भी काले नहीं होंगे, हाथ में भी टैनिंग नहीं पड़ेगी। सो या इसलिए मुझे पसंद आ रहा है, बट एक बार रखने से पहले मम्मी से तो राय पूछनी पड़ेगी, सो मम्मी को बाद में दिखाऊंगी। बट आप लोग को कैसा लगा मुझे बताना, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। पूरा बंद है, नेक इसका ऐसा है और देख सकते हो यहाँ से एक लाइनिंग जा रही है डिज़ाइन की और इसका बाजू थोड़ा वो है फुला फुला सा, यहाँ इलास्टिक है हल्का सा, ज़्यादा टाइट भी नहीं है, हवा भी जाते रहेगा इसमें और यहाँ अच्छा है। मुझे पता है ये जीन्स के साथ मैच नहीं हो रहा है लेकिन इसके साथ अगर आप वो ट्राउज़र पहनोगे ना जो आजकल चल रहे हैं उसके साथ ये बेस्ट है ये, और टाइट जीन्स के साथ बेस्ट है। ये तो मैंने लूज़ पहना है तो लूज़ जीन्स के साथ अच्छा नहीं है बट टाइट जीन्स के साथ अच्छा है। या दिस इज इट, कैसा लगा मुझे बताना आपको फोर्थ आउटफिट। अब हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट मतलब फिफ्थ आउटफिट एंड द लास्ट। सो गाइस दिस इज माय फिफ्थ आउटफिट और ये मुझे भी काफ़ी पसंद आया, मम्मी को ही क्या क्योंकि इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी हद तक लंबी है, मुझे लंबे हाथ वाले बाजू अच्छे लगते हैं क्योंकि इससे काले नहीं होते ना गर्मियों में, बट ये काला है धूप इसमें ज़्यादा पड़ेगी। पर इसके गले का नेक डिज़ाइन कहूँ बहुत अच्छा है, इसका अगर कपड़ा का पीस कहूँ वो भी काफ़ी अच्छा है, लाइट वेट है और ठंडी हो रही है इससे सच में, अभी हवा भी चल रही है शायद बाहर इसलिए हवा आ रही है, पूरी खिड़कियाँ खुली है मेरी। तो आपको बताना कैसा लगा इसका नेक डिज़ाइन, देखो तो आप काफ़ी सुंदर है, हाथ में भी काफ़ी सुंदर है और अगर आप ऐसे देखो तो यहाँ पर और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा, बैक में इसका नहीं है कोई भी डिज़ाइन बट यहाँ आगे है वेरी ब्यूटीफुल। फिटिंग की बात करूँ तो फिटिंग तो सारे के सेम ही है, ये थोड़ा सा लूज़ है सभी तभी शायद कंफर्टेबल भी हो रहा है, बट यार इसको मैं रखूँ या ना रखूँ पता नहीं, इवन मम्मी से पूछना पड़ेगा। तो ये थे मेरे आज के 5 शॉर्ट कुर्ती सेट, आई होप आपको पसंद आया होगा, आई होप क्या आपको पसंद नहीं आया होगा। और अगर आप ऐसे और सेट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना नीचे पे, मैं बहुत सारे और चीज़ भी लेके आऊँगी मीशो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से और भी शॉपिंग ऐप से। सो या अगर आपको ये पसंद आता है तो मुझे बताना ज़रूर, कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे तो कर ही देना एटलीस्ट शेयर, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को। सो मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय।